Why does it? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Janagaramara? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 he seconds? Can why can't you? Why? see the rotary Club or school? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, the, because I'll tell you why. why because I'm very close to taking over what Arnab is doing, um, I, his job is a threat, and he's going to be in my place, and I'm going to be his. No, just kidding. really uh, wonderful experience. I think we had a very novel interview. Uh, normally. In गोस्वामी पिछले एक साल में ये एक नाम नहीं एक आवाज बन गई है झूठ के खिलाफ की आवाज़ के खिलाफ जस्टिस की आवाज चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए हो दिशा सालियान के लिए हो या फिर पालघर में साधुओं के लिए हो अर्नो गोस्वामी का जन्म 7 मार्च 1973 को गुवाहाटी असम में हुआ था अर्नव के पिता मनोरंजन गोस्वामी एक इंडियन आर्मी थे और लगभग तीस साल तक उन्होंने इंडियन आर्मी में काम किया अर्नव गोस्वामी की जर्नलिज्म कैरियर की शुरुआत 1995 में दी टेलीग्राफ से कोलकाता में होता है फिर उसके एक साल बाद 1996 में अर्नव गोस्वामी दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पे लगभग 10 साल तक वे एनडीटीवी में बतौर न्यूज़ एंकर काम करते हैं उनका शो न्यूज नाइट के लिए उन्हें 2004 में एशिया का बेस्ट एंकर भी चुना जाता है और 2004 ही वह साल था जिसने अर्नब गोस्वामी की जर्नलिज्म कैरियर को बदल के रख दिया अब अर्नब गोस्वामी भारत के उन बेस्ट न्यूज एंकर में से एक थे लेकिन एनडी टीवी में रहकर अर्नब गोस्वामी की असली पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रही थी तो फिर 2006 में वे एन टीवी को छोड़ देते हैं क्योंकि उस समय एक न्यू न्यूज चैनल लॉन्च हुआ होता है टाइम्स नौ जिसमें उन्हें एडिटर इन चीफ का पोस्ट मिल रहा होता है टाइम्स नाउ में उनके सो फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नो में कई बड़े पर्सनैलिटी जा चुके हैं जैसे दलाई लामा यूके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गर्डन ब्राउन यहाँ तक कि अर्नो गोस्वामी भारत के पहले न्यूज एंकर थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सबसे पहली बार इंटरव्यू लिया था एज अ पी लेकिन फिर 1 नवंबर 2016 को अर्नो गोस्वामी वापस टाइम्स नाउ से भी रिजाइन कर देते हैं न्यूज रूम पॉलिटिक्स और लैक ऑफ जर्नलिस्टिक फ्रीडम के कारण और फिर 6 मई 2017 को अर्नो गोस्वामी की एक नई जर्नी शुरुआत होती है जिसमें कोई कोई ऑफ जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं नहीं रहता है, कोई नहीं रहता न्यूज रूम पॉलिटिक्स है रिपब्लिक टीवी के लॉन्च के साथ और खुद अर्नो गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज एडिटर इन चीफ रहते हैं और सात मई दो से लगातार सात दिनों तक रिपब्लिक टीवी इंडिया का नंबर वन न्यूज इंग्लिश न्यूज चैनल रहता है अर्नो गोस्वामी की शानदार जर्नलिज्म के कारण 2008 में उन्हें रामनाथ गोयनका का मिलता है फिर 8 दिसंबर 2019 को उन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना जाता है जो कि 78 न्यूज चैनल का एक फेडरेशन है तो क्या अर्नो गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की जर्नी इतनी आसान थी जितना मैंने अभी तक आपको बताया क्या कि बिना किसी कठिनाइयां और परेशानी के अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी आज भारत के नंबर वन न्यूज चैनल और न्यूज एंकर हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अर्नव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी कई बार कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं चाहे वह अपने वे ऑफ रिपोर्टिंग के कारण हो या फिर बीजेपी के सपोर्ट में रिपोर्टिंग करना हो तो पिछले एक साल में अर्नव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी कई कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं 2020 में पालघर मॉब लिंचिंग के केस में अर्नो गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर होता है 8 सितंबर 2020 को रिपब्लिक टीवी के दो रिपोर्टर और एक टैक्सी ड्राइवर को मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वे उद्धव ठाकरे को उनके फार्म हाउस तक फॉलो कर रहे होते हैं 4 नवंबर 2020 को खुद अर्नो गोस्वामी अरेस्ट हो जाते हैं अनवय नायक सुसाइड केस में मुंबई पुलिस द्वारा लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें बेल मिल जाती है फिर अक्टूबर 2020 में रिपब्लिक टीवी टीआरपी स्कैम के मामले में कंट्रोवर्सी में आ जाता है है जो जो कि जो केस अभी भी चल रहा है। लेकिन इन सभी कंट्रोवर्सी कठिनाइयों के बावजूद आज रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी भारत के नंबर वन न्यूज एंकर और न्यूज चैनल है तो दोस्तों मेरा काम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इशूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का है तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी मैं ऐसे रियलिटी टॉक्स और रियलिटी कन्वर्सेशन करूं तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वापस फिर होगी मुलाकात एक और इंपॉर्टेंट इशूज और टॉपिक के साथ धन्यवाद